আজ সোমবার থেকে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্ট চালু হলেও প্রতি মিনিটে 1000 লিটার অক্সিজেন উৎপন্ন করতে পারে সেই ধরনের প্লান্টের আজ থেকেই পথ চলা শুরু হলো। ফলত দার্জিলিং পাহাড় থেকে মানুষজন চিকিৎসা করতে আসা রোগীদের আর অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ দিতে হবে না বলেই দাবি করছেন কর্তৃপক্ষ। স্বভাবতই খুশি সাধারণ মানুষ। এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের সুপার সুভাষচন্দ্র কি বললেন শোনাবো আপনাদের। ব্যুরো রিপোর্ট, খবরের দুনিয়া। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी प्लांट तो स्टार्ट हो गया है सर, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कैसे क्या वर्क हो रहा है, क्या है? प्लांट का कमीशनिंग हो गया, इसका काम अभी चल रहा है। पहले हम लोग का 10-15 दिन इसका गैस रेगुलर निकल के वो गैस रिपोर्ट करने के लिए कलेक्ट करेगा, क्योंकि मरीज को देने के पहले उसका गैस प्योरिटी का रिपोर्ट जरूरत है। एक थर्ड पार्टी एजेंसी वो गैस कोई NABL एक्रेडिटेड लैब से टेस्ट करने के बाद इसको प्रेशर और प्योरिटी चेक करके हम लोग मरीज को देंगे। इसका कैपेसिटी है 500 LPM। 500 LPM में हम लोग का अराउंड 70 beds अच्छा से कवर हो जाएगा। और हम लोग का जो अलग सिलेंडर है, हम लोग का सेपरेट सिलेंडर्स है बाकी बेड्स के लिए, वो सब सिलेंडर यूज होंगे। अभी सेंट्रल लाइन से पंप मैनिफोल्ड रूम से यही PSF प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई होंगे। सर अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है सर ये कोविड को लेकर? अभी तो कमती है, 1-2 केस हर रोज हो रहा है, तो अभी तक थर्ड वेव का कुछ इंडिकेशन नहीं देखा गया। थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन ज़्यादा होने का कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं है। हम लोग रेगुलर चेक कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स कैसा कमते बढ़ते, तो कोई इंडिकेशन मिलने से हम लोग का फिर देखना होगा कि वो बढ़ जाएगा क्या, वो विजिल हम लोग रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले बच्चों लोग काफ़ी बीमार हो रहे थे, अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है सर? अभी भी बच्चे का बीमार थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा ही है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। कोविड रिसेंटली नहीं मिला, 15-20 दिन पहले 2 केस मिला। हम लोग रेगुलरली बच्चे को स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है कॉमन कोल्ड रोजी। हाँ, एक टाइम था अराउंड 7-10 दिन पहले, तब